हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास की मैथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोर्ड की तरफ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ 9th क्लास की मैथ। 13.1 चैप्टर का नाम है, ठीक है, और आगे पढ़ेंगे इसमें। और पहला दूसरा प्रश्न जो इसमें पूछा गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छतों पर सफेदी करने का व्यय ज्ञात करिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को बार बार और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को एक बार पढ़ के डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे तो इसकी पूरी पूरी उम्मीद और संभावना बन जाती है कि आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप बोर्ड की तरफ देखिए और क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या चीज़ें दिया गया और हमें क्या करना है, ठीक है। देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है तो ये क्या करेंगे, घनाभ बना देंगे और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि पेंट करना है। पेंट करने का मतलब यही हुआ ना कि पूरे को पूरे कमरे को पेंट करना है। लेकिन इसमें देखिए पूछा क्या गया, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसने क्या पूछा है कि कमरे की लंबाई ये रहा, ठीक है, सबसे पहले लंबाई दी है तो लंबाई का नंबर कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगी 5 मीटर, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3 मीटर। अब इसके आगे की जो बात है वो ये है कि इसने क्या बोला है कि कमरे की दीवारों और छतों पर सफेदी करने का व्यय याद करिए। कमरे की दीवारों यानी कि कमरों की जो दीवारें होती है उसको पेंट करना है और जो छत है उसको पेंट करना है। लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पूरे कमरे को पेंट करना है या फर्श को भी पेंट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि चारों दीवारों को तो पेंट किया जाएगा, छतों को भी पेंट किया जाएगा, लेकिन ज़मीन छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन बार बार देखना है और उसको पढ़ना है। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखिए, और तीनों अलग अलग है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका मतलब क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा घनाभ। तो घनाभ बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो घनाभ जो है इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या बना दिया, इसमें ये घनाभ बना है। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी दीवारों को पेंट किया जाएगा, ठीक है, दीवारों को पेंट किया जाएगा और छतों को पेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्या दोस्तों, दीवारों को पेंट किया जाएगा और छतों को पेंट नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब वो इतना है कि आप देखेंगे इसमें जो हमारे पास जो इसका फर्श है वो खाली छोड़ दिया जाएगा। तो मैंने क्या बनाया, इसका फर्श जो कि पेंट नहीं होगा, ठीक है, जो कि पेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो होती है ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है और ये इसकी ऊँचाई होती है, ठीक है। तो देखेंगे लंबाई कितनी दे रखी है, सबसे पहले लंबाई है तो लंबाई हो जाएगी 5 मीटर, उसके बाद चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 मीटर, ठीक है, बी मतलब चौड़ाई यानी कि ब्रिथ, और इसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, ठीक है दोस्तों 3 मीटर। इसको हम अलग से भी लिख लेंगे, अलग से क्या लिखेंगे दोस्तों, अलग से यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि फॉर्मूले में लगाने में आसानी हो जाए। तो पहले लिखेंगे लंबाई, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे चौड़ाई, फिर क्या लिखेंगे ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई लिखेंगे। लंबाई कितनी है 5 मीटर, चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, उसके बाद ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, ठीक है। जो जो इसमें प्रश्न में जो दिया गया था हमने सभी चीज़ें लिख ली हैं। प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितने रुपये लग रहा है वो भी हम लिख लेते हैं, यानी कि प्रति मीटर व्यय, ठीक है, प्रति मीटर का खर्च कितना है 7.5 रुपये, ठीक है 7.5 रुपये, ये भी हमें लिखना है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था कि हमें वो सभी चीज़ें लिखनी है जो हमें चाहिए फॉर्मूले में, प्रति मीटर स्क्वायर 7.5 रुपये, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन में दिया होता है हमें सभी चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं बता देता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। ये 7.5 रुपये लिखा हुआ है, ये चीज़ मैंने लिखी है जो क्वेश्चन में ही पूछा गया है। दोस्तों हम क्या लगाएंगे इसमें, घनाभ का क्या लगाएंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से हमें सोल्व नहीं करना है, हमें फॉर्मूला तो लगाना है लेकिन हमें सोल्व उसके तरीके से नहीं करना है। ध्यान देंगे इधर क्या होता है, ठीक है, कमरे की दीवारों और छतों का, ठीक, कमरों की दीवारों और छतों का क्षेत्रफल 2LB प्लस का BH प्लस का H और L, ये होगा।
अब हम क्या करेंगे इसमें जो माइनस क्या करेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों ये लंबाई चौड़ाई दो बार, क्योंकि एक नीचे वाली पट्टी और एक ऊपर वाली पट्टी है, लेकिन हम ऊपर वाली पट्टी को तो पेंट करना है लेकिन फर्श को छोड़ देना है, यानी कि लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस, यानी कि पूरे का सॉल्व करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल निकाल के हम इसके जो फर्श का जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर देंगे। तो अब जो क्षेत्रफल आएगा वो फर्श सम्मिलित नहीं होगा, शामिल नहीं होगा, चारों दीवारों का होगा और छत का भी होगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला लगाया, देखिए रटना नहीं है फॉर्मूले को, आपको जैसा प्रश्न पूछा जा रहा है उसी हिसाब से हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। आप रटा रटा फॉर्मूला लगा देंगे तो जाहिर सी बात है आंसर तो गलत होना ही होना है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार क्वेश्चन में हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। टू लिखेंगे यहाँ पे, लंबाई इसकी कितनी है दोस्तों, पाँच है, मैं यहाँ पे लिखूंगा पाँच, कोई निशान नहीं है लंबाई चौड़ाई के बीच में, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई यानी कि गुणा का निशान है। तो चौड़ाई इसकी कितनी है, चार, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्लस का निशान, प्लस का निशान डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस का निशान है रेड कलर में। उसके बाद चौड़ाई कितनी है दोस्तों, चार मीटर यानी कि चार, ऊंचाई कितनी है, तीन, फिर प्लस, प्लस का निशान, इसकी ऊंचाई कितनी है, तीन, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, पाँच, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा बच्चा हुआ, ये बाहर का फरस का, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, पाँच, और इसकी चौड़ाई कितनी है, चार, ठीक है। आपको बिल्कुल क्या करना, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट करते चले जाइए, उससे और बेहतर होगा, अच्छी तरीके से आप सोल्व कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे, ठीक है। तो आगे करते हैं, लंबाई चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी, पाँच और चार है, ठीक है, पाँच और चार है, तो पाँच और चार को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, बीस, प्लस का निशान, चार तक कितना हो जाएगा, बारह, प्लस का निशान, ठीक है, प्लस का निशान लिखते जाएंगे दोस्तों, ये ज़रूरी है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद तीन पचे कितना हो जाएगा, पंद्रह, यानी कि फिफ्टीन हो जाएगा ये, थ्री फाइव जा। उसके बाद बाहर का जो हमारे पास बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है ये, ट्वेंटी, ठीक है, कितना बचा हुआ है ये, ट्वेंटी है ये, फाइव फोर जा कितना हो जाएगा, ट्वेंटी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अंदर अंदर वाले को सभी को क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा, प्लस करने पे आ जाएगा ये 47, ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों, 47 आ जाएगा। और अभी जो 20 इसको ये रखेंगे, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आगे तरफ बोर्ड की तरफ देखिए, ठीक है, उसके बाद कोई भी काम करिएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे ना, कुछ लोग इस 47 में से 20 माइनस कर देंगे, यानी कि 47 में से 20 को माइनस कर देंगे यानी कि घटा देंगे, तो वहीं आपका आंसर गलत, उसके आगे नहीं आने वाला है, क्योंकि पहले क्या होता है, हमें ब्रैकेट को ओपन करना होता है, ब्रैकेट को खोलना पड़ता है, और ब्रैकेट किस चीज़ का निशान होता है, वो होता है गुना का, यानी कि ये ब्रैकेट का निशान है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो गुना कैसे करना है, दो को 47 से गुना करना है, दो को 47 यानी कि टू को 47 से गुना करना है, तो आप आंसर आपको कितना मिलेगा, ठीक है, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 94 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 94। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस का, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, 20, ठीक है, माइनस का 20। अब जो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, वो आएगा हमारे पास 74, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, 74 मीटर स्क्वायर, कितना आएगा दोस्तों, 74, ठीक है, मीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आया है, किसका, फर्श को छोड़कर चारों दीवारों को, चारों दीवारों और छतों का क्षेत्रफल। लेकिन हमारे पास जो आंसर यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, इसका आगे ध्यान दीजिएगा, इसने और क्या पूछा है, प्रति मीटर की दर से, यानी कि एक मीटर स्क्वायर पे कितने रुपये लग रहा है, 7.5 रुपये, तो कुल व्यय, पूरा खर्च बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल व्यय, कुल व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च, कुल व्यय, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रति मीटर पर कितना लग रहा है, प्रति मीटर स्क्वायर पर लग रहा है 7.5 रुपये, तो टोटल जो क्षेत्रफल आ रखा है 74 यानी कि 74 गुने में कितना कर देंगे, 7.5 यानी कि 7.5 मल्टीप्लाई में कर देंगे। अब जो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 555, ठीक है, कितना आएगा दोस्तों, 555 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कुल खर्च हो जाएगा, ठीक है, जो आप पूरे कमरे को जो पेंट करेंगे फर्श को छोड़कर, तो आपके पास जो आंसर जो आएगा कितना आएगा, 555 रुपये पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि फॉर्मूला कैसे लगेगा और ये फॉर्मूला
क्या किस तरीके से इसमें लगाया जाता है, कैसे पता चलता है। तो इस वीडियो का जो इस चैप्टर का मैंने बेसिक कराया है, आप बेसिक को पहले देख लीजिए, ठीक है। आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जितने भी प्रश्न हैं आप करने की कोशिश करिए, तो उम्मीद है कि आपको आपसे वो हो जाएगा। इसके आगे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ठीक है, इस चैनल पे आपको 9th क्लास की पूरी मैथ साइंस, 10th क्लास की मैथ साइंस, उसके बाद 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये पूरा का पूरा कराया जा रहा है, ठीक है। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई इसमें सजेशन देना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कॉमेंट्स में बॉक्स में जाके कॉमेंट्स कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन देने की भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जैसे ही वीडियो आप सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे मैं कोई भी चैप्टर बनाऊंगा या कोई क्वेश्चन बनाऊंगा तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है। क्योंकि सीरीज वाइज चल रहा है, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लोग के नमस्ते दोस्तों।